नमस्कार। आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करूंगा जिसको आप खाने में भी यूज करते हैं, पीने में भी यूज करते हैं, और इससे बना हुआ कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके घर पे होगा ही होगा, 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आज हम बात करेंगे इक्षु के बारे में। इक्षु अर्थात गन्ना, अपन जो आम बोलचाल की भाषा में अपना प्यारा सा नन्ना, प्यारा सा तो नहीं होता, प्यारा ही होता है, खाने मीठा लगता है, नन्ना नहीं, ये बड़ा फल होता है गन्ने की, जिसको कि शुगर केन, नोबल केन, ऐसे बहुत सारे नाम बोलते हैं। तो गन्ने के क्या क्या आयुर्वेदिक गुण हैं, कौन कौन सी चीजों में ये काम करता है, पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में। इसका श्लोक इस तरह ऐसा है कि इक्षु शीतो गुरु स्निग्धो मधुरो, अर्थात इक्षु जो होता है, गन्ना जो होता है, वो शीत होता है, ये ठंडा होता है नेचर में, और आगे इसका गुण है गुरु स्निग्ध मधुर। गुरु अर्थात ये पचने में भारी होता है। जी हाँ, गन्ने का जो रस होता है या गन्ने के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो सब के सब पाचन में भारी होते हैं, मीठे होते हैं, वो तो हमें टेस्ट से ही पता है, और ये स्निग्धता लाने वाले शरीर में होते हैं। तो इसके अगर गुण देखें तो ये क्या काम करने वाले हुए, ये वात और पित्त को कम करने वाले और कफ को बढ़ाने वाले हुए। तो गन्ने के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो वात पित्त वाली प्रकृति के जो लोग हैं या वात पित्त से जुड़ी हुई जो कोई भी बीमारियां हैं, वात पित्त से जुड़ी बीमारियां अर्थात हाथ पैर में जलन होना, पेशाब में जलन होना, पेशाब कम आना, शरीर में बहुत ज़्यादा चंचलता हो जाना, शरीर में कहीं कट्स पड़ने लग जाना या किसी भी कारण से शरीर का सूखने लग जाना, ऐसी तरह की जो बीमारियां हैं उसमें ये फायदेमंद है। गन्ने को आयुर्वेद में जीवनी ब्रह्मणी कहा है। जीवनी अर्थात ये रक्त धातु के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, रक्त की क्वालिटी सुधारने में मदद करता है। ये ब्रह्मणीय है, ब्रह्मणीय अर्थात ये वजन बढ़ाने वाला है। अगर इसके एकदम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो जिन लोगों को भी वजन बढ़ाना है, जिन लोगों को भी टॉनिक चाहिए, जिन लोगों को शरीर की जो धातुएं हैं, रस, रक्त, मांसमेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरह की जो धातुएं होती हैं, उन धातुओं की वृद्धि करनी है या शरीर में कुछ भी बढ़ाना है, तब आपको गन्ना जरूर खाना चाहिए। वृषम कृमि मूत्र कफकृत, अर्थात ये वृष है, शरीर में शुक्र धातु को बढ़ाने का काम करता है, उसको नरिशमेंट देने का काम करता है। तो ऐसे लोग जिनके शुक्राणु कम है, शुक्र निकलते समय बहुत ज़्यादा जलन होता है, या शुक्र धातु निकलने के बाद जो लिंग है उसमें दर्द होता है, पेन होता है, तब ये यूजफुल होगा। ये शरीर में कृमि पैदा करता है, तो ऐसे लोग जिनको शरीर में वर्म्स की हिस्ट्री है या जिन लोगों को बार बार कृमि हो जाता है, कीड़े हो जाता है, उनके लिए अच्छे नहीं है। खास करके जो बच्चे लोग हैं उन्हें देखिए, अगर बहुत बार पेट में कीड़े पड़ रहे हैं तो गन्ना या गन्ने के बने हुए सभी प्रोडक्ट आपके लिए अच्छे नहीं है। इसे कहा गया है कफप्रद। कफप्रद अर्थात ये कफ को बढ़ाता है, अर्थात कफ वाली जो बीमारियां हैं उन्हें गन्ना नहीं खाना चाहिए। कफ वाली कौन सी बीमारियां हैं, डायबिटीज, प्रमेह, शुगर, कफ की बीमारी है, उसमें गन्ना नहीं है, क्योंकि उसमें कहा ही है प्रमेह हेतु कफकृच्छ सर्वम, अर्थात सबसे पहले कफ बिगड़ता है। स्किन के डिसऑर्डर, स्किन की अगर आपको बीमारियां हैं तब उस टाइम पे आपको गन्ने का प्रोडक्ट या गन्ने की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कम यूज़ कीजिए, क्योंकि ये कृमि भी पैदा करता है, कफ भी पैदा करता है। मोटे लोग हैं, डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, या एक्स्ट्रा फैट बढ़ी हुई है, या जिनको बहुत ज़्यादा कफ वफ होता है, ऐसे लोगों के लिए गन्ना अच्छा नहीं है। तो किसके लिए अच्छा है, जो बहुत ज़्यादा पतले हैं, जिनको शरीर बढ़ाना है, जिनके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा जलन होती है, या जिनको शरीर में नरिशमेंट चाहिए, कुछ टॉनिक खाने की जिनको आदत है, या टॉनिक खाना है, तब गन्ना आपके लिए फायदेमंद है। इसके लिए एक शब्द आया है सरह संतर्पणो। सरह अर्थात ये चीज़ें सरकाने का काम करता है। जिन लोगों को यूरिन कम आता है और यूरिन होते समय बहुत थोड़ा सा यूरिन निकलता है, दर्द वर्द होता है, तो आपको गन्ना खाना चाहिए, बहुत अच्छी मात्रा में यूरिन आता है इससे। संतर्पणों कहा है, संतर्पणों अर्थात शरीर को बढ़ाना है तो गन्ना खाओ, वात प्रकृति वाले गन्ना खाओ, पित्त प्रकृति वाले गन्ना खाओ, वात पित्त प्रकृति वाले गन्ना खाओ, बाकी लोग गन्ने से थोड़ा बच के रहो। बल्लो हृदय पित्ताशनाशनम, बल्य अर्थात ये शरीर में ताकत देने का काम करता है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि गर्मी के टाइम पे आप बहुत थके रहते हैं, बहुत पसीना वसीना हुआ रहता है, धूप लगी रहती है, और आप जाते हैं गन्ने वाले के यहाँ, उसके पास से रस लेते हैं और रस पीते हैं, और जैसे ही गन्ने का रस पीते तुरंत एकदम फ्रेश जैसे लगता है, ताकत जैसे लगता है, अच्छा लगता है। तो ये जो ताकत देने का काम है वो गन्ने के पास है। पित्ताशनाशनम इसे कहा है, अर्थात ये पित्त को कम करता है। रक्त की जो बीमारियां हैं, खास करके जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर की तकलीफ है, जिनको शरीर में कहीं से भी खून निकलता है, मल मार से, मूत्र मार से, महिलाओं को मासिक धर्म में, गर्मी के टाइम पे नाक से बहुत बार लोगों को खून बहने की तकलीफ हो जाती है, ऐसे सभी लोगों को गन्ना खाना चाहिए। ये शरीर में ओज धातु बढ़ाने का भी काम करता है, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज है, और वात को जीतने का काम करता है। तो भाई इतने सारे फायदे हैं गन्ने के। तो रस धातु, रक्त धातु पे ये बहुत अच्छा काम करता है, शुक्र धातु पे भी इसका बहुत अच्छा एक्शन है, शरीर में यूरिन बढ़ाने का काम करता है, वात पित्त को कम करता है, कफ को बढ़ाता है। ये है ओवरऑल रिव्यू इस गन्ने का। हाँ, गन्ना खाते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि गन्ने का रस कभी नहीं पीना चाहिए,
आप बोलेंगे क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? तो उसके बारे में आयुर्वेद में ऐसे कहा गया कि जहां से गन्ने का रस निकाला जाता है वहां पे देखिए, एक बार रस निकाला फिर थोड़े टाइम के लिए वैसे ही रह गया, और फिर कोई नया कस्टमर आया फिर से नया रस निकाला, तो वो जो रस बच जाता है मशीन के ऊपर वो धीरे धीरे एसिडिक हो जाता है। इसलिए अगर आप गन्ने का रस, आप में से बहुत सारे लोग पीते होंगे, तो पीने के बाद उनको भयंकर एसिडिटी जैसा लगता होगा, सिर भारी लगता होगा या उल्टी होने जैसा उनको लगता होगा, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है। और एक चीज, जब गन्ना का एक साथ जब पीसा जाता है तो पीसते समय ये नहीं देखते कि उसके अंदर कौन सा अच्छा है खराब है। नॉर्मली आप खाते हैं तो देखते हैं कि अगर लाल कलर का कोई गन्ने का बीच में आ गया तो आप फेंक देते हैं, पर जब रस पीसते हैं तो एक साथ सबको पकड़ा, डाला, रस निकाला और उसी को पीने दे दिया। तो इसलिए कहा गया है कि जो गन्ने के अंदर का मल या विकृतियां रहती हैं वो भी शरीर में आ जाती है। तो गन्ने के रस को पीने से अच्छा, सबसे ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन जो है वो है गन्ने वाले के पास जाने का, ऐसे गन्ना लेके आने का, घर पे आके उसको खट 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 करने का, या बहुत बार उसके छोटे काटे हुए टुकड़े मिलते हैं, उस टुकड़े को अगर आप चबा चबा कर खाएंगे तो वो रस का तो मजा आएगा ही, दांत भी मजबूत होंगे और आपका सलाइवा मिक्स होगा, सलाइवा मिक्स होने के कारण वो इजिली डाइजेस्टेबल होगा, खाने में मजा भी आएगा। तो गन्ने का रस पीने से अच्छा है कि गन्ने को चबा चबा कर खाए। तो ये था रिव्यू आज के गन्ने के बारे में। अगली बार किसी ऐसे ही आयुर्वेद की किसी और औषधि का रिव्यू को हम लेकर आएंगे। आपके कुछ डाउट है गन्ने से जुड़े हुए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके आधार पर हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गन्ना।